नमस्कार, जनादेश के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब जब वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सबकी नज़र 24 अक्टूबर को है, जब ईवीएम खुलेंगे और पता चलेगा कौन विजेता है, इस बीच कुछ एग्जिट पोल्स भी आए हैं और एग्जिट पोल्स का नतीजा बता रहा है कि बीजेपी की सरकार एक बार दोबारा बनने वाली है। तो इसको लेकर हम बातचीत करेंगे कमलेश भारतीय जी के साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सबकी निगाहें 24 अक्टूबर पर हैं, जब ईवीएम में दर्ज नतीजे बाहर आएंगे और हमें विजेताओं के बारे में पता चलेगा। तमाम न्यूज चैनल और चुनाव सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल नतीजे में भाजपा की दोबारा सत्ता में वापसी का अनुमान जताया है। आंकड़ों के मुताबिक टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि भाजपा 71, कांग्रेस 11 और अन्य उम्मीदवार मात्र 8 सीटें ही जीत पाएंगे। रिपब्लिक जन की बात एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा 42 से 63 सीटें, कांग्रेस को 15 से 19 सीटें और अन्य पार्टियां 7 से 10 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर पाएंगी। एबीपी सी वोट एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा 72, कांग्रेस 8 और अन्य पार्टियां 10 सीटें जीत पाएंगी। तो सभी एग्जिट पोलों के मुताबिक बीजेपी आसानी से हरियाणा में एक बार फिर सत्ता की कुर्सी हासिल करेगी। हालांकि इस सबकी पुष्टि तो गुरुवार यानी 24 तारीख को हो पाएगी, जब सब आंकड़े हमारे सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन केंद्र, हिसार। तो कमलेश जी, जैसे हमने इस रिपोर्ट में देखा, ज्यादातर सर्वे ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार एक बार दोबारा बन रही है। आप क्या मानते हैं कि क्या सर्वे, क्योंकि 4-5 सर्वे अगर हम नाम ले प्राइवेट चैनलों के, तो इस सभी कह रहे बीजेपी की सरकार बन रही है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, हर चुनाव के बाद, चाहे अभी 4-5 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे जी, ये सर्वे आते हैं जी, तब भी लोग कह रहे थे कि इतना बहुमत नहीं मिल सकता, लेकिन मिला। फिर आरोप किस पर गया? ईवीएम पर। इस बार भी वही हो रहा है कि जितने भी चैनल हैं, ये अलग बात है उनके आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन बहुमत जैसा आप कह रहे हैं भाजपा को देते हुए दिखाई दे रहे हैं जी, और उसकी सरकार फिर से बनने वाली लग रही है इन सर्वेक्षणों के आधार पर जी। दूसरी बात ये भी, अगर ऐसा हो जाता है भाजपा की सरकार आती है, ये हरियाणा में दूसरी बार करिश्मा होगा कि जब किसी की सरकार लगातार दूसरी बार आई हो। पहले यह करिश्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करके दिखाया था, वो दो बार आए। और अगर ऐसा होता है, खट्टर भी सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जिनको लोगों ने भरपूर प्यार दिया, ये कल की बात है। तो यहाँ देखा हमने बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने 7 रैली करी यहाँ प्रधानमंत्री जी ने, और हमने देखा कि काफ़ी केंद्रीय लीडर आए, अमित शाह यहाँ पर आए, यहाँ राजनाथ सिंह आए, यहाँ पे और भी बहुत सारे लीडर आए बीजेपी के। लेकिन जब कांग्रेस का सवाल है, सोनिया गांधी ने 1 रैली प्लान करी, वो भी कैंसिल हो गई। फिर राहुल गांधी ने 2 रैली करी, और प्रियंका गांधी जो लोकसभा चुनाव में काफ़ी रैलियाँ कर रही थी, वो भी नहीं आई इस पर। तो आपको लगता है कि हाफ हार्टेड अप्रोच थी कांग्रेस की केंद्रीय लीडरशिप की, खासकर कह सकते हैं, क्योंकि आपने जब युद्ध लड़ना है या जो भी जंग लड़नी है जी, तो पूरे मन से लड़ी है। सोनिया गांधी जी की तो आप मान सकते हैं कि उम्र हो गई जी, और वो सचमुच अस्वस्थ भी रहती हैं, विदेशों तक इलाज करवाने जाती हैं जी। वो ना आ पाए तो किसी को कोई लगता नहीं, भी नहीं आई तो जानबूझकर नहीं आई या उनका मन नहीं था, मन तो होगा। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, लोकसभा चुनाव में वे आए, प्रियंका गांधी भी हिसार तक भी आई, हिसार आई, अंबाला आई, मतलब 3-4 उन्होंने इकट्ठे प्लान करते हैं एक दिन भर के लोकसभा में जी। तो इस बार भी उनकी चर्चा थी, लेकिन वे नहीं आई। यहाँ तक कि जो दूसरे और केंद्रीय नेता इनके हैं जी, वे भी बहुत कम आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के चुनाव से पहले बोला था कुछ इंटरव्यूज में, कि जब उनसे पूछा कि आपकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। क्या आपको लगता है कि खट्टर सरकार को लेकर भी, जो मनोहर लाल सरकार है उनको लेकर भी यहाँ पे प्रो इनकम्बेंसी है, तो वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा है इस वक्त? देखिए, जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज कम होना है, उसमें ये लगता है कि शायद भाजपा बहुत बड़े आत्मविश्वास से भर गई। जैसे उन्होंने नारा दिया कि हम 75 पार तक सीटें ले जाएंगे, फिर और उत्साही आए, हम 80 के पार जाएंगे,
शुक्र है उससे आगे वाला को उत्साह ही नहीं आया कि 90 के 90 लेने के। पर यह आत्मविश्वास ही मुझे लगता है कम वोटिंग के लिए जिम्मेदार है। अगर आप अपने वोटर को मतदान केंद्र तक ला नहीं पाते तो फिर आप सफल कैसे होंगे। लेकिन इसमें ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इसी हरियाणा में पिछले चुनाव में कांग्रेस का एक प्रत्याशी सिर्फ 3 मतों से जीता था जी। तो उस समय अफसोस होता है हारने वाले को, काश मैं उस घर के 5 वोट ले आता। ये बात देखनी पड़ती है कि जहाँ कहीं आपका वोटर बैठा है आप उसको ला सकते हैं उसको लाइए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो 3 वोट से पछताना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी तो 1 ही वोट से हार गए थे। तो ये एग्जिट पोल्स जो सभी एक ही तरफ सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसलिए सोच रहे हैं, इसके पीछे ये कारण भी हो सकता है कि कोई लहर नहीं थी इस बार हरियाणा चुनाव में? ऐसा माना जाता है कि लहर नहीं थी या एंटी इनकम्बेंसी जैसे मैंने आपसे कहा नहीं थी, शायद इसीलिए सब एग्जिट पोल एक तरफ सोच रहे हैं। मेरा ख्याल मुझे 2 कारण लगते हैं जी। एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ विपक्ष का बिखरा हुआ होना जी, खास तौर पर जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, इसमें जितने बड़े 5-6 नेता थे उन्होंने 5 वर्ष इस काम में निकाल दिए कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। 5 वर्ष मुख्यमंत्री की लड़ाई में निकाल दिए, सरकार का विरोध करने में नहीं लगाए, सरकार के खिलाफ नहीं चले, एक दूसरे के खिलाफ ही तलवारें भांजते रहे जैसे हम कहते हैं। तो एग्जिट पोल हमने कई बार देखा है कि गलत भी होते हैं, आपको लगता है कि इस बार गुंजाइश है कि, क्योंकि सभी एग्जिट पोल एक ही तरफ सोच रहे हैं, हरियाणा की अगर हम बात करें, कोई भाजपा के लिए 55 सीटें कहता है तो कोई 60, कोई 70 भी कहता है, कोई 80 भी कहता है, तो आपको लगता है कि एग्जिट पोल सभी के सब गलत हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि जैसे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने मना कर दिया एग्जिट पोल को मानने से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया हमने देखा, दुष्यंत चौटाला का बयान आया, वो सब कह रहे हैं कि एग्जिट पोल आप छोड़िए, असली रिजल्ट देखिए। बड़ी मजेदार बात है ये, ईवीएम वाली बात ही है जी। अगर हम जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, अगर हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। यही हाल एग्जिट पोल का है। अगर एग्जिट पोल किसी और को विजयी बता रहा है तो ये इसकी जरूरत नहीं, उसकी ओर ध्यान ना दो, हम इसको मानते नहीं। अगर एग्जिट पोल हमारी ओर आ रहा है तो कहेंगे जनता की आवाज़ है, ये तो जनता बोल रही है। तो ये है चित भी मेरा पट भी मेरी, दोनों चीज़ें मेरी हैं। जहाँ तक बात है आंकड़े अलग अलग हैं, जो आप कह रहे हैं कोई 70 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है, कोई सिर्फ 10 ही दे रहा है कांग्रेस को। अभी आज जैसे मैं देख रहा था और दूसरे चैनल, उनमें आज कांग्रेस को 32 तक लेकर आए हैं कुछ चैनल, और कुछ चैनल जजपा को, जननायक जनता पार्टी को 11 तक लेकर आए हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर कम किसकी होगी? भाजपा की जी। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर लगता है कि सरकार लगभग लगभग वही बनने वाली है जिसकी है। तो इसमें कितना बड़ा अचीवमेंट मनोहर सरकार का है, या इसमें ज़्यादा बड़ा जो अगर 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 एग्जिट पोल अगर रहते हैं 24 तारीख को ऐसे रिजल्ट आता है तो इस ये बड़ी जीत मनोहर सरकार की है या फिर ये नरेंद्र मोदी सरकार की है? दोनों की है। एक बहुत प्यारा चुटकुला सोशल मीडिया पे आया था जी, बहुत प्यारा है, दोनों को लेकर, मोदी और मनोहर लाल जी को लेकर। उन्होंने कहा कि देखो दूल्हा तो है मनोहर लाल खट्टर, और फोटो किसकी दिखा रहे हैं? नरेंद्र मोदी की। कि महत्व मोदी का भी है, फोटो उनकी भी दिखानी पड़ती है बड़े भाई की। और सबसे बड़ी बात जो हरियाणा में कही जाती है, मैंने सुनी है जी, कि किसी समय जब नरेंद्र मोदी आते थे खट्टर जी उनको अपने स्कूटर पर सैर कराते थे। तो आज एक प्रधानमंत्री है एक मुख्यमंत्री है, हम योगदान दोनों का है। इसीलिए कहा गया ना एक मनो है एक नमो है, और दोनों ने छवि बनाई मनोहर। ये बहुत बढ़िया एक नारा बना। हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें, लगभग 66% के आसपास जो फाइनल वोटिंग फिगर आई है वो आई है, और ये हमने देखा 1968 पे सबसे कम हरियाणा में वोटिंग हुई थी, 57.26% जब आया था। तो आपको क्या लगता है कि इतना कम वोटिंग प्रतिशत,
क्यों क्यों है इतने टाइम बाद, ये किसकी कमी है, क्या इलेक्शन कमीशन ने पूरी अपनी तैयारियां रखी? तो सभी लोगों ने कोशिश की, वोटिंग प्रतिशत बढ़े, फिर भी कम हुई है, लोकसभा चुनाव से भी कम हुई है, ऐसा क्यों? एक तो जैसे आप बात कर रहे हैं, गैप बहुत कम था लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का, ये भी एक कारण हो सकता है, लोग अपने घरों से निकलते ही नहीं। दूसरा, जो आप परंपरागत प्रचार देखते थे वो नहीं हुआ। पहले घरों में आपके वोट का नंबर पर्चियां दी जाती थी, अब कोई नहीं आता, ये भी एक कारण है। जब एक एक बार वर्कर किसी के घर चला जाएगा, किसी भी पार्टी का वर्कर उसको पर्ची दे आएगा परिवार को, तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हमने कल वोट करना है, अब ऐसा नहीं होता। दूसरा, गली गली तक कभी रिक्शा घूमा करती थी, इसको वोट दो उसको वोट दो, वो प्रचार खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर ही भरोसा कर लिया। अब आपको पता है सोशल मीडिया पे परोसा गया खाना, खाने को तो नहीं मिलता, देखने को मिलता है, वही चीज़ लगी है। और अर्बन सेंटर्स में वोटिंग कम हुई है, रूरल रूरल जगहों पे, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा वोटिंग हुई है, ऐसा क्यों आपको लगता है? हर बार होता है, गांव के लोग आज भी इसको सचमुच उत्सव की तरह मनाते हैं। आपने शॉर्ट देखे होंगे जी, वो किसी भी पार्टी के साथ आए हों, कैसे नाचते झूमते आए। शहर में कोई ऐसा सीन देखा? शहर में कोई ऐसा सीन ही नहीं, वहाँ खूब नाच रही हैं महिलाएं, वहाँ ढोल भी बजा रहे हैं, वहाँ तिलक भी लगा रहे हैं, वहाँ गुलाल भी उड़ता है, वो सारी बातें होती, लेकिन शहर में चुपचाप निकलते हैं और चुपचाप घर चले जाते हैं, कोई बाहर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये थोड़ा चैनलों ने, आप लोगों ने, मीडिया ने मिलकर इसको थोड़ा बनाया, जब सेल्फी की डिमांड की जी, कि हमें सेल्फी दीजिए, हर चैनल ने कल कहा था और अखबारों ने भी कहा हमें सेल्फी दी, उससे थोड़ा सा क्रेज बना शहरों में कि हम अपनी सेल्फी लगवा लें। लगनी तो 10-20 ही थी, लेकिन 200, 400, 2000 लोगों ने प्रेरणा लेकर कम से कम ये काम तो किया। ऐसे काम होते रहते तो शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती। हमने देखा है कि इस पर चुनाव में काफ़ी दिव्यांग लोग आए वोट डालने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अलग से इंतज़ाम किए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट, जैसे इलेक्शन कमीशन कर ही रहे, हर बार कोशिश करते हैं, तो ये जितने इंकरेजमेंट हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं दी गई, जैसे हमने कल दिखाया भी अपने जनादेश में, तो आपको लगता है कि इससे आने वाले समय में और वोटिंग बढ़ सकती है और ऐसे ऐसे प्रयास जारी रहने चाहिए? ये प्रयास तो जारी रहने चाहिए। जब हमने इसको अपना उत्सव मान लिया, अपना सबसे बड़ा लोकतंत्र का, देश में क्या विदेशों में माना जाता है कि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा महापर्व यहीं मनाया जाता है, तो फिर दिव्यांग क्यों, वो क्यों छोड़े जाएं, महिलाओं को क्यों छोड़ा जाए? सभी को शामिल करेंगे तो महापर्व बनेगा। अभी देखो ना, कितने सारे ऐसे फोटोज आए हैं कि एक लड़की ने कहा भी मेरे हाथ भी नहीं काम करते, लेकिन मैं वोट डाल के आऊँगी। कोई 100 साल से ऊपर का आ रहा है, वोट डाल के आऊँगा। कोई सीधे अस्पताल से आता है। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी सुखद खबर होती है कि हर व्यक्ति हर तकलीफ में भी, हर कहते ऑड में भी वो वोट डालने के लिए आता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद बात होती है। तो लोकतंत्र की जीत है, जीत है। तो इसका फैसला तो अब 24 तारीख को ही होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, जब ईवीएम खुलेंगे और जब रिजल्ट फाइनल हमारे सामने आएंगे। तो तब तक हम वेट करते हैं और एग्जिट पोल जो भी है हमने आपको बता ही दिए। धन्यवाद।